की घटना हुई। उस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाजार के बीच में हुई, दिन में हुई, लगभग शाम को 5 बजे, और आसपास के इलाके में काफी भीड़ थी। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी थी और चुनौतीपूर्ण भी थी, क्योंकि दिन में किसी के दुकान से आकर के पैसे ले जाना, लूट ले जाना और चेन खींच के ले जाना, ये दोनों चीजें बड़ी फनफनीखेज थी और चुनौतीपूर्ण थी। इसमें लगातार मल्हारगंज की टीम ने, इसमें थाना प्रभारी मल्हारगंज, CSP मल्हारगंज, एडिशनल SP ईस्ट जोन 3, सभी वेस्ट जोन 2, सभी ने काफी इसमें अच्छे ढंग से इसमें लगातार मेहनत किया, और अंततः पूरी टीम की लगातार मेहनत के बाद इसमें पूरे गैंग को पकड़ लिया गया है। गैंग इसलिए कि इनके द्वारा पूर्व में भी, न सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर के आसपास के दूसरे जिलों में भी वारदातें की गई हैं। इसमें खास बात यह थी कि इस पूरे मामले में संबंधित व्यक्ति को पिस्टल दिखा करके घटना की गई थी। जब इस मामले में पूरा पिस्टल जब्त किया गया तो चौंकाने वाली बात यह थी कि ये पिस्टल के स्वरूप में जो पिस्टल थी, ये पिस्टल न होकर के लाइटर है, जो कि पिस्टल के स्वरूप में है। और ये पिस्टल जब वो लाइटर जलाते हैं तो लाइटर जलाने के काम आता है, लेकिन चूंकि आम व्यक्ति के लिए तय कर पाना संभव नहीं है कि ये पिस्टल है या फिर लाइटर है। बहरहाल उसने इस तरह की घटना कुछ दिनों पूर्व महेश्वर में भी एक लूट की घटना स्वीकार की है, और मुख्य तौर पर जब ये घटना हुई, इस घटना में उन लोगों ने पहले रेकी की थी, उस दुकान पे गए थे, और उस दुकान में जाने के बाद वहां पर शादी के लिए जो शेरवानी है, शेरवानी किराए पर दी जाती थी, और उसमें एक व्यक्ति ने किराए पर लेकर शेरवानी लेने के लिए उसको नापा, नापे के बहाने थोड़ा दुकान में अंदर तक गए, इसको दुकान के बारे में सारी छोटी छोटी जानकारियां मालूम थी, वहां पर उसने पैसे निकाले, संबंधित व्यक्ति को लाइटर दिखा करके चेन खींची और वहां से लेकर के भाग गए। इस पूरे गैंग में तीन अपराधी हैं, जिसमें मुख्य जो आरोपी हैं दो, राहुल और जो नरेंद्र, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की पुलिस लगातार उसमें तलाश कर रही है, उसके बारे में